श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों 22 अगस्त दिन सोमवार को एकादशी पड़ रही है, जिसे जया एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। दर्शकों इस दिन का आज हम आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपकी बहुत सी प्रकार की समस्याओं को खत्म कर सकता है। अगर कर्ज संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उसे भी ये छोटा सा उपाय समाप्त करेगा। साथ ही व्यापार संबंधित, धन संबंधित या फिर घरेलू परिस्थितियों, किसी भी प्रकार की गुप्त आपकी शरीर में रोग हो रहा है कैसा भी, तो दोस्तों सभी प्रकार की समस्याओं को ये उपाय दूर करेगा। साथ ही विवाह संबंधित और भी एसपी संबंधित जो भी समस्या हो उन सब को दूर करेगा। तो दर्शकों किस प्रकार से इस छोटे से उपाय को करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना बहुमूल्य समय देके वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों कहा जाता है कि जो सुबह का समय होता है, सुबह सुबह का समय बहुत ही शुभ समय माना जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों इस सुबह के समय में कई लोग स्नान करने से पूर्व भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करते वक्त अपनी जो भी मनोकामना होते हैं उनको बोलते हैं और उन व्यक्तियों को उस कार्य को करने से बहुत लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों की मनोकामना, आप लोगों के जीवन के दुख दर्द संकट जो भी विपत्ति परिस्थितियाँ आ रही हैं वह सब दूर होंगी। अनधन से लेकर यानी कि आपके जीवन में धन संबंधित कैसी भी समस्या होगी वह खत्म होगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेगी। दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। आप लोग इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों सुबह जब आप लोग इस दिन एकादशी पड़ रही है, बहुत ही अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है और साथ ही वैसे देव के देव अधिदेव महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है। तो दोस्तों सुबह उठते ही आप लोग स्नान करने से बाद में, सुबह उठते ही स्नान करने के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में आप लोगों को अपने घर के पूजा स्थल पर एक दीपक जलाकर, साथ ही आप लोगों को दो अगरबत्तियां लगाकर और फिर आप लोगों को एक सिक्का अपने हाथ में लेना है, साथ ही एक सिक्के के ऊपर आपको कपूर रखना है और फिर उस कपूर को जलाकर आप लोगों को इस मंत्र को बोलना है। ओम नमो धेनु श्रीवास्ते नमः। दर्शकों इस शब्द को आप लोगों को मात्र दो बार बोलना है, इस मंत्र को आप लोगों को दो बार बोलना है और फिर उस कपूर को आप लोगों को उस सिक्की समेत आप लोगों को उसी दीपक वाली प्लेट में रख देना है और उन्हें जलने के लिए छोड़ देना है। आप लोगों को मात्र इतना छोटा सा कार्य करना है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमेशा की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।